नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। शानदार तेजी बनते हुए दिख रही है ब्रॉडर मार्केट में। मजा आ गया आज तो देखकर, मतलब मार्केट को लिटरली खुशी हो रही है कि यार सबका पैसा बन रहा है। और इन्वेस्टर्स के कमेंट भी आ रहे हैं कि भाई आज तो काफी पॉजिटिव पोर्टफोलियो है, ग्रीन में है, तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों मैं आपके साथ कुछ स्टॉक शेयर करना चाहूंगा जो रिसेंटली डिस्कस करे थे। एक था पेटीएम। आज पेटीएम का जरा मूव देखिए आप, 612 हो गया, 10% भागा है। कोई ना कोई न्यूज है इस स्टॉक में आज कम पेटीएम के लिए, जिसके चलते आज ये स्टॉक 10% रैली करता हुआ दिखाया। अब यहाँ पे डिस्कस करने के लिए मैं अब बात क्यों कर रहा हूँ वो बताता हूँ। पहले मैं आपको डिस्कस क्यों कर रहा हूँ। मैं पेटीएम का स्टॉक मैंने रिसेंटली आप सभी के साथ डिस्कस किया था 530 रुपीज़ पे, 500 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ टेक्निकल टर्म्स पे, कि स्टॉक का आज का लो ही आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए और कैरी करिए इसे 570-600 के टारगेट्स के लिए। स्टॉक हायर हाइज की फॉर्मेशन में सपोर्ट लेवल पे आके खड़ा हो गया, ये मेरे वर्ड्स थे। एक और स्टॉक डिस्कस किया था मैंने, दो स्टॉक्स डिस्कस करे थे टेक्निकल टर्म्स पे, दोनों की बात कर लेते हैं। दूसरा था जोमेटो। जोमेटो ने स्टॉप लॉस खा लिया है दोस्तों, 259 पे था, 255 का SL दिया था, जोमेटो ने SL हिट कर दिया, लेकिन पेटीएम ने टारगेट डन कर दिया। अब देखो जोमेटो में 2% का SL आया, एग्जैक्टली देखा जाए तो 1.5% का है, और पेटीएम में 70 रुपये ऊपर खड़ा है शेयर, 10% से ज्यादा का प्रॉफिट। तो जब हम ट्रेडिंग पर्पज से या फिर टेक्निकल टर्म्स को यूज करते हुए काम करते हैं ना बाजार में, तो हमारा ओवरऑल नेट गेन कितना हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और प्रॉपर स्टॉप लॉस को हमें रिस्पेक्ट देनी होती है। अदरवाइज जोमेटो 248 तक चला गया। देखो 248 पे अगर हम रुके रहते तो 10 रुपये प्रति शेयर का नुकसान आ जाता, जो कि 4 से 4.5% हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब इनफैक्ट पेटीएम में तो मोर देन 10% की प्रॉफिट आ रहा है, लगभग 13% का प्रॉफिट हो गया। अब पेटीएम के स्टॉक में यहां से क्या करें दोस्तों, अब इसने फ्रेश हाई लगा दिया है टेक्निकल टर्म्स पे। वैसे नहीं बोल रहा मैं 52 वीक या लाइफ हाई नहीं बोल रहा हूं, ट्रेडिंग पर्पज से देखें तो 3 महीने के उच्चतम स्तर पे खड़ा है। फ्रेश हायर हाइज की फॉर्मेशन में, प्रीवियस हाई था इसका क्लोजिंग बेसिस पे 573 समथिंग था और इंट्राडे बेसिस पे 603 का था। अभी 619 का हाई हो चुका है, 612 पे ट्रेड कर रहा है। यहां भी स्टिल होल्ड कीजिए इस स्टॉक को, ठीक है। एक तो पेटीएम की अपडेट हो गई जो कि शानदार एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। आगे एक और स्टॉक है दोस्तों, लगभग वैसे अगर मैं ऐसे अपडेट देने आया तो सारे स्टॉक आज बहुत कमाल कर रहे हैं हमारे रिसेंटली लिस्टेड। मैं अपडेट नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं अगर है तो कुछ ना करें। ग्लोबस स्प्रिट 180 रुपये भागा है, 20% का सर्किट। ये वही है दोस्तों जो 780 रुपये पे आप लोगों को खरीदवाया था और होल्ड करने के लिए कहा था। आज ये स्टॉक 1080 हो गया, 20% के सर्किट के साथ ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक के वैल्यूएशन आज भी उतने ही कंफर्टेबल हैं जितने पहले लगते थे। और इस शेयर में मैं अपने व्यूअर से कहूंगा, बेचने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। 1250 रुपये का घर खुल चुका है, 1250 रुपये जाने की तैयारी में है, और 1250 जब हो जाएगा तब सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। फ्रेश एंट्री के लिए तो किसी को नहीं बोलूंगा, 20% के सर्किट पे कोई ले भी नहीं पाएगा। तो एक आपका ग्लोबल स्प्रेड है। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे दोस्तों, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस। इस स्टॉक की बात करें तो आज 1034 रुपये पे करंटली ट्रेड कर रहा है, 1100 रुपये का हाई लग गया है आज। इसको मैंने 760 रुपीज़ के अराउंड या फिर 800 पे एग्जैक्टली डिस्कस किया था, आज 1100 का हाई लग गया है। मैं इसमें भी यही बोलूंगा, स्टिल वैल्यूएशन बहुत चीप है, सस्ते हैं, केवल 28 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है आपके लिए। और आप देखें तो लगभग हायर हाइज की फॉर्मेशन में है, 978 के करीब का SL प्लेस करिए इसमें और कैरी करिए पोजीशन को जब तक 978 के नीचे ना निकल जाए। तो अगला स्टॉक ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज है, जिसमें कमाल का मूव आता हुआ दिख रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। आगे बात करता हूं दोस्तों कुछ और स्टॉक्स के बारे में। देखो शुगर के बारे में बात नहीं करूंगा, एथेनॉल के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो सारे के सारे ही रॉकेट हुए पड़े हैं दोस्तों। एक स्टॉक है आपका जहां पे मैं आप सभी के साथ कंटिन्यू डिस्कशन करता रहता हूं और काफी बार बात भी करी है कि रियल एस्टेट में अगर आप ध्यान दे रहे हो तो इस स्टॉक पे जरूर नजर रखिए, वो प्रेस्टीज एस्टेट। हालांकि इस पे मैंने पर्टिकुलरली कभी नहीं बोला कि हाँ जी खरीदने का मौका है या ले सकते हो, बट आज इसमें मूव आया एक न्यूज के दम पर। मैं न्यूज बताना चाहूंगा आपको, कंपनी QIP कर रही थी प्रीमियम पे, जिसके चलते स्टॉक आपके लिए 5% का रैली देता हुआ दिख रहा है, 6% ऊपर है इनफैक्ट। तो ये भी एक स्टॉक है जो काफी पॉजिटिव खबर के दम पर आज एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। अगले स्टॉक की बात करते हैं UPL की बात करें दोस्तों, तो इस स्टॉक में बहुत पिटाई देखी है, बहुत खराब समय
समय देखा है, लेकिन मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा कि इसे निकल जाओ, इसे एग्जिट ले लो। रीजन वही कि ग्लोबल मार्केट में ये टॉप थ्री में आ जाता है एग्रोकेमिकल में। स्टॉक गिरता जा रहा है, अर्निंग्स खराब आ रही है, लेकिन मैनेजमेंट कह रहा है अब सुधरेंगी। और इसी के बेसिस पे मैंने आपसे कहा था कि बेचने का मतलब हिम्मत नहीं होगी, अगर बेच दिया तो ये शायद दोबारा भाव दिखाएगा नहीं, इसलिए आप होल्ड कीजिए और वापस से आपको इसमें भाव ऊपर के आते हुए दिखेंगे। ये भी आज 4.25% ऊपर आ रहा है। तो आज बहुत ऐसी कंपनियों के शेयर ऊपर आ रहे हैं जो बड़े लंबे समय से नहीं चल रहे थे। वेदांता आपका अच्छा कर ही रहा है, टाटा स्टील मेरे को लगता है स्टॉक ऑफ द मंथ हो सकता है सितंबर में, अभी 1% के करीब का मूव दे रहा है। मेरे 165 to 168 के लक्ष्य हैं इस स्टॉक में, तो ये स्टॉक जरूर आप रडार पे रखिएगा। अभी कुछ लोगों के मैं कमेंट पढ़ रहा था, अभी रिसेंटली मैंने पढ़े आज में, तो दो कमेंट थे भाई ब्लैक रोज और बारबेक्यू नेशन आप कवर नहीं करते। इनको मैंने दोनों को डिस्कस किया था, भाई साहब ऐसा कोई शेयर नहीं है जो मैं कवर कर चुका हूं और मैं उससे मुकर जाऊं या चले ना तो मैं डर जाऊं। नहीं यार ऐसा नहीं है भाई, मैंने बोला था, लिटरली बोला था, मैं स्टॉक कंटिन्यू टाइम टू टाइम बोलता रहता हूं। अब ये दोनों ही स्टॉक नहीं चले हैं। ब्लैक रोज तो बहुत लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर आप मेरे सपोर्ट में आओगे तो आपको ये भी तो दिखेगा पूरा केमिकल ही अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब मैं आपको देता हूं एक सॉलिड टिप, और वो ये कि भाई साहब फार्मा पहले चलता है, केमिकल बाद में चलता है, कभी केमिकल पहले चलता है और फार्मा बाद में चलता है। अब फार्मा में आपने रैली देखी और केमिकल में मैं बता रहा हूं आएगी, यहां से 6 महीने में आएगी, 1 साल में आएगी नहीं पता। दीपक नाइट्राइट 2000 से 3000 हो गया ना, खड़े थे हर समय। ब्लैक रोज भी आपके लिए 200-250 होगा, लेकिन मैं इस पे ये नहीं कहूंगा कोई जाके एंट्री मार दो या ले लो, टाइम लगेगा इसे, टाइम लगेगा। केवल 716 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत छोटी कंपनी है, लेकिन स्टिल ब्लैक रोज पे भी मैं पॉजिटिव ही हूं, समय देर ले रहा है। अब आते हैं बारबेक्यू नेशन पे, ये भी नहीं चला, लेकिन ये तो मैंने इसी भाव पे डिस्कस किया था। ब्लैक रोज तो हालांकि 175 के करीब डिस्कस किया था, 140 पे पड़ा है, 2 साल के करीब होने जा रहे हैं, नुकसान दे रहा है, लिटरली दे रहा है, मानता हूं मैं। अब 10-20 शेयर डिस्कस करूं, एक गलत भी चला जाए तो आप माफ कर दिया करो यार। और बारबेक्यू नेशन तो इसी भाव पे डिस्कस किया था 630 पे, मैं स्टिल पॉजिटिव हूं इस पे। आप जैसे ही प्रॉफिट में आएगी कहीं ना कहीं दिक्कत सारी दूर होंगी, और जब चलेगा ना ये तो मौका नहीं देगा किसी को लेने का, 1000 हो जाएगा सीधे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ टेक्निकली जो चीज़ें दिख रही हैं। तो ये मेरी तरफ से सारी अपडेट थी, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।